here. In this video, we are going to discuss a very, very important mineral, a trace mineral that is known as the magnesium. ठीक है, बॉडी के अंदर जैसे जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसकी मेन सोर्स क्या है कि कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स. लेकिन इसके अलावा जो पूरी जो बॉडी के सिस्टम को चलाने के लिए है, उसमें विटामिन्स और मिनरल्स एंड फाइबर्स, ये बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं. अगर हम वो जो है तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है वो नॉर्मल मिकदार में ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारे विटामिन्स या मिनरल्स इसके अंदर जो है इसकी जो ख़ास तरतीब और ख़ास कंपोजिशन और ख़ास रेशे जो है हमारी बॉडी के अंदर है, अगर उसके अंदर तगैर और तबदुल या उसमें एक कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उससे हमारे जिस्म का तकरीबन बहुत सारे इस वक्त निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. ऐसे ही जैसे बहुत सारे मिनरल अहम हैं या बहुत सारे हार्मोन विटामिन्स, जैसे विटामिन D3 जो है ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या पोटासियम अहम है, कैल्शियम अहम है, इसके साथ साथ मैग्नीशियम जो है ये इंतहाई अहम रोल अदा करता है. मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाती है जिस्म के अंदर, तो इसके अफेक्ट्स जो हैं वो पूरी बॉडी के अंदर पैदा होंगे, क्योंकि ये जिस्म के अंदर तकरीबन 300 से ज़्यादा जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हैं, उसके अंदर मैग्नीशियम जो है इसका बहुत अहम रोल है. अब मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जो है, ठीक है, इस डेफिशिएंसी जो इसकी वजह, इससे जो प्रॉब्लम पैदा होती हैं उनमें क्या है, उनमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो हम कह देंगे कि हाई ब्लड प्रेशर. कि ब्लड प्रेशर एक जगह मैग्नीशियम कम होगा तो जो प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर जो इसकी बीमारी पैदा हो जाएगी. इसकी वजह क्या है कि मैग्नीशियम जो है ये आर्टरी जो है हमारी आर्टरीज, उसके मसल्स को रिलैक्स करती है. जो जो चीज़ रिलैक्स करेगी वो है मैग्नीशियम. दूसरे नंबर पे कैल्शियम है. कैल्शियम जो है इसका जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर जो इसकी ट्रांसपोर्ट है, उसको भी काउंटर जो है मैग्नीशियम ही करेगी. अगर मैग्नीशियम की मिकदार कम होगी तो कैल्शियम जो है वो अपना अफेक्ट करेगी, और कैल्शियम का जो अफेक्ट क्या है, ये इसने इंक्रीज करना है टोन्स को, जो जो हमारी वेसल्स होती हैं या बाकी जो मसल्स हैं उनके जो जो मसल्स हैं उसके अंदर उसकी टेंशन को इंक्रीज करने के लिए टोन को इंक्रीज करता है, और डेट इज़ कैल्शियम. और कैल्शियम की अगर मिकदार जो है वो जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए उससे ज़्यादा है, या उसके काउंटर जो जैसे दो पहिए हैं, अगर एक में हवा ज़्यादा है एक में कम है तो गाड़ी बैलेंस नहीं चलेगी, ऐसे कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम अगर इसकी मिकदार कम हो जाती है तो कैल्शियम टोन इंक्रीज करेगी और ब्लड प्रेशर को कंटिन्यूस जो है ना, ब्लड प्रेशर बॉडी का हाई रहेगा. उसको काउंटर करने के लिए ब्लड प्रेशर जो है वो मैग्नीशियम बहुत अहम है. देखा ये गया है कि मोर देन 80% जो हार्ट अटैक होते हैं, मोर देन 80% हार्ट अटैक उसकी ठीक है, उसकी मेन वजह जो है वो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जो है ना, मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है ये मेन काज जो हार्ट अटैक की, मोर देन 80% जो हार्ट अटैक उसकी मेन काज ये हो सकती है. अच्छा, इसके बाद है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. देखिए, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर भी मैग्नीशियम का बहुत अहम रोल है, क्योंकि ये हमारी जो है इस मिनरल को ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम के साथ साथ जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट है उसमें भी इसका अहम रोल है. ठीक है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में अगर मैग्नीशियम जो है, क्योंकि ये बॉडी के बहुत सारे सिस्टम को रिलैक्स करता है, इसलिए ये टाइप 2 डायबिटीज जो है अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा. ऐसे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की एक जो है वजह, एक काज जो है वो हम उसको मैग्नीशियम भी कहेंगे. इसके बाद लेग क्रैम्प्स. देखिए, लेग क्रैम्प जो है, क्योंकि जो हमारी लेग्स हैं उसके मसल जो हैं वो उनकी टोन बड़ी होती है, वो उसको खिंचाव पैदा हुआ होता है, उसमें जहाँ पे पोटासियम का बड़ा रोल है, अगर पोटासियम जो है वो कम हो जाता है तब भी क्रैम्प पड़ते हैं, ऐसे ही उसके उसमें मैग्नीशियम जो है वो सारे सिस्टम को रिलैक्स करेगा. इस वजह से अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो फिर लेग क्रैम्प भी आते हैं. ऐसे मसल्स पेन, ये सेम मैकेनिज्म आ रहा है सारे का सारा.
कि मेन जो है आपको बेसिक इसकी क्या होती है कि कैल्शियम जो है ये सिंपैथेटिक हमारा हमारे दो सिस्टम है बॉडी के, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है जो है पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है वो इमरजेंसी और में जैसे रन है या फाइट एंड फ्लाइट जो कहते हैं, ठीक है, उसमें सिंपैथेटिक आता है। सिंपैथेटिक जब भी आएगा तो उसमें कैल्शियम इन्वॉल्व होगा। और पैरासिंपैथेटिक या जो सिंपैथेटिक होता है उसका क्या क्या काम होता है, कंट्रैक्शन, जैसे ब्लड प्रेशर जो है जो उसमें जो फर्स्ट सिस्टोलिक है या कंट्रैक्शन है उससे ब्लड जो है प्रेशर इंक्रीज होता है। जब वो मसल रिलैक्स हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है, जैसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का सिस्टम भी ऐसे ही है। जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो सिंपैथेटिक सिस्टम होगा, जो जो ब्लड प्रेशर का जो ऊपर का हिस्सा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उससे आएगा। जब वो रिलैक्स होगा तो उसमें पैरासिंपैथेटिक आ जाएगा, तो उसमें जो है नीचे वाली रीडिंग है उसमें वो आती है, ठीक है। आप इन चीज़ों को छोड़ें, आप ये ध्यान में रखें कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से एक तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में इसका अहम रोल है, ठीक है। लेग क्रैम्प्स, अगर इसकी कमी होगी तो लेग में टांगों में क्रैम्प्स पड़ेंगे, ठीक है, वो खिंचाव सा अजीब सी जो तलखी महसूस होती है। मसल्स जो है, अगर आपके मसल्स में अकड़ाव है और पेन है तो अगर हम मैग्नीशियम देते हैं तो इससे उसको रिलीफ मिल जाएगा। मैग्नीशियम की कमी से मसल में पेन होगी। एंग्जाइटी में भी बेसिकली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है उसकी वजह से एंग्जाइटी होती है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए अगर मैग्नीशियम देते हैं जो उसकी मिकदार पूरी होती है तो एंग्जाइटी में कमी वाक़ हो जाएगी। ऐसे इसकी डेफिशिएंसी इंसोम्निया, अगर आपको नींद नहीं आती तो नींद में भी, क्योंकि आपके बहुत सारे जो मसल्स हैं जो वो टेंशन में हैं या प्रॉपर रिलैक्स नहीं है, तो अगर देखा गया है कि अगर आप 500 मिलीग्राम जो मैग्नीशियम जो है वो उसकी पिल लेते हैं बिफोर गोइंग टू स्लीप, ठीक है, बिफोर गोइंग टू बेड, तो उससे आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी, यानी कि इंसोम्निया जो है वो इसकी डेफिशिएंसी से इंसोम्निया भी एक वजह बन जाती है। तो इसके बाद है मिग्रेन हेडेक है, या दूसरा है टेंशन हेडेक। ये है दोनों अलग अलग, लेकिन टेंशन हेडेक को भी देखा गया है कि अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो टेंशन हेडेक भी हो जाता है, वही इसमें सिस्टम इन्वॉल्व है रिलैक्सेशन का। ऐसे ही मिग्रेन हेडेक जो से कहते हैं आधे सर का दर्द, उसमें भी देखा गया है कि अगर मैग्नीशियम के जैसे बाकी दूसरी काज भी हो सकती है, लेकिन वन ऑफ द काज मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। अगर इसमें हम मैग्नीशियम देंगे तो उसका मिग्रेन या टेंशन हेडेक में अफाका हो जाएगा और काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। इसके बाद है ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस में ये होता है कि आपकी हड्डियाँ जो है उसके अंदर कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट नहीं होती, वो उसके अंदर टूट फूट का शिकार हो जाती हैं हड्डियाँ, कमज़ोर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि कैल्शियम के को जो मेटाबॉलिज्म है या कैल्शियम की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें जितना रोल विटामिन D3 का है या विटामिन K2 का है उतना ही रोल जो है मैग्नीशियम का है। अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो विटामिन जो है कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होगी, लेकिन ये मिकदार ज़्यादा हड्डियों में नहीं होगी बल्कि इसकी मिकदार जो सॉफ्ट टिश्यू और ब्लड के अंदर इसकी मिकदार बढ़ जाएगी, इसलिए हड्डियों की जो तोड़ फोड़ को या उसकी जो है उसके ऑस्टियोपोरोसिस को काउंटर करने के लिए मैग्नीशियम जो है उसकी एक ख़ास मिकदार जो है उसको ब्लड के अंदर जिस्म के अंदर मौजूद होनी लाजमी है। अब मैग्नीशियम ये तो है कि 8-9 मेन वजूहत हैं, बाकी भी हैं, लेकिन दीज 8 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसकी आउटकम है डेफिशिएंसी ऑफ द मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है इसकी बेस्ट टाइप जो है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, देखिए मार्केट में अगर हम लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो इसकी ऑक्साइड फॉर्म जो है वो इतनी बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, उससे इतना जो है बेहतरी नहीं आती, लेकिन जो अगली दूसरी बेस्ट फॉर्म जो है वो है मैग्नीशियम चिलेट फॉर्म में है, मैग्नीशियम सिट्रेट फॉर्म में है, ग्लिसिनेट फॉर्म में है, थ्रियोनेट है, या मैग्नीशियम ऑयल भी है, जैसे बहुत सारे एसेंशियल ऑयल हैं ऐसे मैग्नीशियम ऑयल है। अगर आपको किसी मसल्स के अंदर क्रैम्प्स या पेन है, अगर आप थोड़ा सा ऑयल लेंगे और यू रब ऑन दैट मसल्स ऑन दैट पार्ट तो एक सूदिंग इफेक्ट होगा,
वो मसल रिलैक्स करेगा और आपकी पेन जो है वो ठीक हो जाएगी. और इसकी डोज जो है 300 to 500 मिलीग्राम जो है इसकी डोज है नॉर्मल. 600 भी देंगे लेकिन इससे ज़्यादा देते हैं तो फिर ये डायरिया काज करेगा. हाँ इसकी सर एक और सबसे एक और वजह है वो है कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, अगर आपकी मैग्नीशियम की कमी होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगी क्योंकि इसमें भी वही मैकेनिज्म इन्वॉल्व है कि जो हमारी कॉलन है या गट है वो रिलैक्स नहीं करेगी. ऐसे ही अगर आप मैग्नीशियम दे देते हैं किसी को तो वो उससे उसकी जो है बाउल हैबिट बेहतर हो जाती है, उसकी जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जो है वो ठीक हो जाती है. यानी कब्ज की भी या कॉन्स्टिपेशन की भी एक मेन वजह जो है वो मैग्नीशियम है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि मैग्नीशियम की नेचुरल सोर्स जो है कौन कौन से जो है वेजिटेबल या फ्रूट्स हैं जिनमें मैग्नीशियम की मिकदार पाई जाती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.